अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं और आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 से ज्यादा का सामान भेजते हैं तो आपको ई वे बिल लेना जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ई वे बिल क्या बला है, तो आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने अप्रैल 2018 से ई वे बिल सिस्टम लागू कर दिया है। इसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बिल यानी कि कंप्यूटराइज्ड बिल होता है। ये ऑनलाइन बिल जीएसटी पोर्टल पर साथ ही साथ दर्ज हो जाता है और इसी बिल को ई वे बिल कहते हैं। ई वे बिल से किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए टैली एक नया वर्जन लेकर आया है। ई वे बिल को और आसान तरीके से समझा रहे हैं सरल सिंह। आपका काम इतने आसानी से कैसे हो गया? ओए ए टैली दा कमाल है। वो कैसे? अरे भाई जी ऐप बड़ी जबरदस्त चीज है। टैली में जब आप अपने इनवॉइसेस बनाते हो तो ये खुद से आपको बताती है कि आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी या नहीं। इसमें आप अपने ई वे बिल के लिए डेटा डालकर जेसन फाइल सेव कर लो, फिर NIC पोर्टल में जाकर अपने जेसन को अपलोड करो और ई वे बिल नंबर यानी EBN झट से पालो। अब सवाल उठता है कि टैली के इस सॉफ्टवेयर से एक बार में कितने EBN जनरेट कर सकते हैं? दादा माने यदि हमारा डेली का 100 इनवॉइसेस है तो हम क्या 100 बार ई वे बिल जनरेट करेगा? कर दी ना छोटी वाली बात, एक हो या 100 या इनवॉइसेस हो 2.5 किलो, टैली से आप जितने चाहे उतने इनवॉइसेस के लिए एक बार में EBN जनरेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक EBN भी जनरेट कर सकते हो और उसे अपने टैली डैशबोर्ड पे ट्रैक भी कर सकते हो। ई वे बिल को आसानी से निपटाने के लिए आप भी आज से टैली अपनाएं और अपने ई वे बिल को और आसान बनाएं, तभी तो सरल सिंह कहते हैं। अभी टैली अपनाओ और ई वे बिल का सबसे आसान तरीका पाओ। ओए वो क्या कहते हैं बाजी, टैली ओके प्लीज। टैली अपनाने के बाद आप भी हॉर्न ओके प्लीज नहीं बल्कि टैली ओके प्लीज कहेंगे।